पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबरों के लिए द पब्लिक न्यूज चैनल की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने बड़ा ही कायापलट हो चुका है। जी हाँ, कांग्रेस ने पायलट को सभी पदों से निष्कासित कर दिया है, जिसके तुरंत बाद पायलट अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस सरकार राजस्थान के अंदर गिर सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो है पायलट अपने 10 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिरने के चांस ज्यादा है। अगर निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी राजस्थान के अंदर सरकार बनाने की काव्या तेज कर सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में चल रहे सियासी भूचाल के बीच बड़ी खबर आ रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया है। जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, सूचना के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जानकारी दी है कि इसके साथ ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने वाले उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री और राष्ट्र जो है दोनों के रूम में पायलट को उठाने का एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, इसके बाद यह देखना होगा कि सचिन पायलट का कदम क्या होगा। इसके अलावा विधायक दल की बैठक से गायब हुए विधायकों पर कार्रवाई करने के लिए सचिन पायलट के समर्थक वाले विधायक खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। उन सभी विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने सचिन पायलट को जयपुर में विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए कहा था, हालांकि पायलट और उनके समर्थक उसके लिए सहमत नहीं थे। जब इन विधायकों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है तो पहले कहा जा रहा है कि विधानमंडल दल की बैठक बुलाकर पार्टी पायलट को वह संदेश देने की कोशिश कर रही है, अब अभी भी पार्टी में लौट सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के इस फैसले ने राजस्थान की राजनीति की पूरी तरह से पलट दिया है। इससे पहले पूरा कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को समझाने में लगा हुआ था। पार्टी के बड़े नेताओं ने मनाने के लिए उनसे बात भी की, लेकिन सचिन के रवैये में कोई नरमी नहीं आई। सचिन पायलट ने पार्टी हाईकमान के समक्ष 3 मांगे रखी। सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान के सामने मांगे रखी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरी मांग अविनाश पांडे को राजस्थान का प्रभारी पद से तत्काल हटाने की थी और उन्हें अपने समर्थकों के लिए कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण स्थान की भी मांग की, लेकिन कहा जा रहा है कि विधायक दल में शामिल सभी विधायकों ने गहलोत के समर्थन की बात कही। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व बदलने पर विचार नहीं कर रही। आपको बता दें कि फैसला के बाद देखना होगा कि राजस्थान राजनीति में नया मोड़ क्या आता है। आप क्या सोचते हैं सचिन पायलट के इस कदम के बारे में, आप लोग हमारी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने की सूचनाएं मिल रही है, जिसको लेकर अभी तक 100% आइडेंटिफाई कल कर दिया जाएगा। जुड़े रहिएगा द पब्लिक के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।